हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो ये जो तैयारी आप देख रहे हैं, हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे है। हम ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। हमने उनको अभी बुलाया है और फिर उसके बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही आज है वैलेंटाइन डे, तो हमने डिसाइड किया कि वैलेंटाइन डे और उनका बर्थडे हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने उनको कॉल किया था, तो उनके इंतज़ार में हमने जल्दी जल्दी फटाफट से ये तैयारी करना शुरू कर दी कि जैसे ही वो आएंगे तो फटाफट से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और फिर अब और फाइनली हमारी तैयारी हो चुकी है और बर्थडे गर्ल आ चुकी हैं। टडा, बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये भारी भरकम डेकोरेशन की है हमने, इसमें हमने 2 से 3 घंटे लगाए हैं, तो बहुत मेहनत है मैम आकांक्षा मैम, तो अप्रिशिएट करो हमारी मेहनत को। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 बैलून, 8, 9, 10वां लगा रही हैं भाई। हैप्पी बर्थडे, ये हमने खुद सीजर से काट काट के ऐसे लगाए हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, वो फ्रॉक है, आपको फ्रॉक ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए हमने हाँ हमें पता था फ्रॉक पहन के आएंगे, तो फ्रॉक वाले लगा दिया है। और देखो हम ना बहुत ज्यादा वो हैं, एक मिनट बस, एक मिनट। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? देखो हम ना बहुत बजट फ्रेंडली हैं, तो हम ज्यादा खर्चा नहीं करते। हाँ, टुडे इज 14th फेब, राइट? यस, 14th फेब को वैलेंटाइन डे होता है। हाँ, तो अब हम तभी हमने डिसाइड किया कि हम 12 बजे केक ना कट करके 11:30 करेंगे, ताकि पहले हम वैलेंटाइन डे का केक काटेंगे हम दोनों का। ठीक है, इसी को फिर कट होने के बाद इसको हटा देंगे, ऐसे चाट लेंगे, फिर मैम का हैप्पी बर्थडे लगा देंगे 12 बजे। देखो वैलेंटाइन डे भी है, बर्थडे का वो लगाओ, बट हमारा वैलेंटाइन है और कोई नहीं है। आपका वैलेंटाइन ये वीडियो देख रहा है अभी, और देखना आपका वैलेंटाइन वीडियो देख रहा है और देखना तुरंत हंस क्या होगा। फूंक तो ऐसी फूंक दो मैम, एक भी होगी तो चल जाएगी। मैं इनसे आके पूछा था मैम कैंडल है, तो उन्होंने खुद कहा था मेरे पास है। अब कैमरा ऑन है इससे झूठ बोल रही है। मैंने इनसे आते ही पूछा था कैंडल है, बोली हाँ बहुत है। मैम अरे कैंडल आपको पता है उन कैंडल्स का करना क्या है, तुरंत वो करना है। नहीं बोले वाली, ये दिया जला लेते हैं। ये देखो ये अरेंजमेंट्स हो रहे हैं मैम, हम आपका बर्थडे बहुत मन से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो पूरी तैयारी है हमारी, ये देखो डेकोरेशन भी अच्छी है, केक भी लाए हैं हम, वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं, और देखो फिर आपके अच्छा है ना, लो जला दो है ना। ऐसा करो जो तेल भी इनके ऊपर गिरा दो, इन्हीं में आग लगा दो, है ना? हाँ फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं इनकी प्रिपरेशन की तारीफ कर रहा हूँ कि इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। मुझे बोला इन्होंने कि नहीं कैंडल है, blast you, may God bless you with the love of God, may God bless you, ये एक्चुअली इस राइट पर है, इस राइट पे इतने केक से कुछ नहीं होगा। कीटो डाइट में, अरे वाह
आप हाथ से खिलाओ, मजा इससे खिलाओ। वाह जी वाह, यार पूरा ही खाना पड़ेगा यार, आपको पूरा खाना पड़ेगा। अच्छा बुलाया है इशारे करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे गले मिलो। जैसे बंदा उन्हें बोला आ जाओ गले मिलो, चलो बढ़िया। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बजट फ्रेंडली हूँ, तो मैं आपके ऐसा करो इस मेरा ये हमें यूएसए बाय बोट, हमने इसको यहाँ एक्सपोर्ट कराया है। ये कितना बड़ा यूएसए की टॉफी है, ये चॉकलेट बोल दो यार, हाँ टॉफी बोल दो। नहीं मैंने पहले भी खाई है, बहुत टेस्टी है। ये $10 की चॉकलेट है। तो मैम इंडियन रुपीज में कितनी हुई? बताओ कितनी अमीर है, ₹1000 की सिर्फ चॉकलेट खा रही है। मैम शिपिंग चार्ज तो बताया नहीं। हाँ तो जो ये लोग कितने अमीर है, मुझे $10 की अमीरी तो इसी में झलक गई। शिपिंग चार्जेस बता दिए तो इनको ही भेजना पड़ेगा अल हबीबी दुबई। सुनो अब चलो, अब हम अपने रियल रियल ग्रुप से क्या, अब मैं चाहती हूँ ये गिफ्ट आप अपने हस्बैंड के साथ जब जाओगे उनके साथ। थैंक यू वाओ मैम, बहुत सुंदर है ये, बेहतर वाओ करे वाओ बिना खोले वाओ करे क्यों होता। दिल की धड़कन को थाम लो, क्योंकि एक ब्लास्ट तो आया भी जिसमें टीमों के बैंड बज गए। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर है। और मैम देखो बैगेट, यस नाउ यू आर इनटू आवर टीम ऑफ बैगेट। 2500 का है। वैसे मैं ये असलियत बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी बीवी की तरफ से ही है, चॉइस मेरी बीवी की है। तो बीवी और आप, मैंने पता होता कि भाई क्या पसंद आएगा तो मेरी वाइफ ने दोनों ने चीज चॉइस की थी। ठीक है, दोनों ही गिफ्ट बहुत सुंदर है। तो बी आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और मैं चाहूंगी कि आप इसे कल से रोज स्कूल लेके आए, पहले खोल के देखना। आप तो इतने Amazon के पार्सल हो गए ना मैम के पास, पेपर मैम देख मत करना। ओह वाओ, ठीक है क्या है दिखाओ, कैरी बैग। कैरी बैग क्या है ये? तो मैं बोल रहा हूँ नहीं सर, कैरी बैग बनेगा ना यार, आप समझे नहीं। कैरी बैग इतनी बड़ी पॉलिथीन जाएगी ओरिजिनल टोटे बैग, यानी कि पॉलिथीन गर्दन नहीं ला रही है उसके कुछ। जब बर्थडे गर्ल आई थी आपने देखा होगा यहाँ पे अच्छे से बंधन के बैठी हुई थी, अब बर्थडे गर्ल जा रही है वापस अपने वेशभूषा में आ चुकी हैं। जो अभी बंधन के आई थी अब अपने सारे जो बोरी बिस्तर लेके जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं। चलिए मैम जाइए, बहुत लेट हो गया है, ऑलरेडी साढ़े आठ बज चुके हैं। वाओ इतना बड़ा पिज़्ज़ा देखो, की आकांक्षा मैम की तरफ से पार्टी। 40 वाले रोल खाते हैं, बहुत दिन हो गए खाए भी नहीं। सर आपको मैम की पार्टी कैसी लगी? अच्छा, इन्होंने जैसे हमने अपना केक किया था वैलेंटाइन डे और वो
वैसे इन्होंने उसको निपटा दिया। बहन की पार्टी नहीं, लड़कियों की पार्टी में तो फंस जाते हैं यहां पे बेचारे। मारियन चलो बहुत है ये पिज्जा। अच्छा सर मैं अच्छा ही बनाती हूँ। हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं आकांक्षा मैम की पार्टी में से। अभी हम जिस जगह से आए थे उस जगह हमें पसंद नहीं आया, फिर हम दूसरी जगह गए वहाँ भी पसंद नहीं आया, फिर आकांक्षा मैम फाइन डिटेल में क्या ट्रीट दे रही हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमेशा हाँ जब भी ये कुछ खाती हैं, घर नहीं खाती हैं, जब ये वॉक पर आती हैं तब खाती हैं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हैं कि वॉक पे चलते चलते इन्हें भूख लगाती है फिर इन्हें कुछ खाने को चाहिए। तो अभी ये अभी पनीर खा रही है, मसाला पनीर। तो कैसा लगा मैम आज का वो ट्रीट जहाँ हम गए थे? बस शॉप का नाम मत लेना। और किसने तारीफ की थी जरा मुझे बताना। कैमरामैन के फ्रेंड्स ने की थी। कभी नाम नहीं लेना, फ्रेंड्स का नाम नहीं लेना। यार एक बात बताओ, मुझे जैसे बताया कि यार ऐसे अच्छा है जाना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो फिर उधर देखो, पहले आधा किलो पनीर खाया इन लोगों ने, पहले हम पनीर खाएंगे, अभी बर्थडे की ट्रीट लेकर आए हैं, अभी ये पिज्जा वगैरह खा के आए हैं। और देखो अब इनकी एक्सरसाइज चल रही है, ये सोच के कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना भी आज हमने जंक फूड खाया है, अब वो हमारी हेल्थ को आज मैं 12 बजे तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 3 बजे तक मुनीस सर ने कहा। क्या किसने? मुनीस सर। अच्छा, तब तक भागो जब तक कि हाफ के गिर ना जाओ। मैंने कहा सर मैं तो मर जाऊंगी। तो यार एक्सरसाइज का मतलब यही है, अगर आप भाग रहे हो तो जब तक आपकी बॉडी एकदम पेन ना करने लग जाए, आप बिल्कुल थक ना जाओ, तभी आपके उसमें इफेक्ट दिखेगा। अगर रनिंग कर ये एक्सरसाइज चल रही है इनकी, मतलब 10 मिनट एक्सरसाइज की है इसमें। ये लोग अपने नहीं, 10 मिनट एक्सरसाइज करने का ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका 5 केजी वेट कम हो गया होगा, और ये अपने पुरानी फोटोज देखना शुरू हो चुके हैं कि हम ऐसे थे। मैम 5-6 साल पहले हर कोई पतला ही होता है। मुझे मत काउंट करो, बिकॉज आई एम डूइंग इट कंटिन्यूअस। सही, एक घंटे से ये भाई साहब सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसा करना है, अब जाके कर रहे हैं। पहले बताऊंगा ना क्या कैसे क्या कर रहा है, अब ट्रेनर है तो थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। ट्रेनर अब देखते हैं, चलो मैम थोड़ा सा पेट निकलवाओ ना इसको थोड़ा। एक बात तो है मैम, अब हमने किसी ट्रेनर के अंडर एक्सरसाइज करनी शुरू की है, तो मुझे उम्मीद है हमें रिजल्ट एक महीने में मिलेगा। अब तक धुआं में तीर मार रहे थे हम। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो आधे किलो पनीर खा के जो तुम लगे हुए हो, ये कल से नहीं होना। खुद बोलते हो पनीर हेल्दी है। तो मॉर्निंग में आओ, कल सुबह 6:30 बजे गाइस वीडियो बनेगी, देखता हूँ कौन कौन आएगा। बिल्कुल, हमने प्रॉमिस किया। गुड मॉर्निंग गाइस, वादे अनुसार 6:30 का टाइम हमने डिसाइड किया था कि हम 6:30 पहुँचेंगे। लेट हैं थोड़ा, 7:45 हो रहे हैं, 6:45 हो चुके हैं, 35 हो चुके हैं मैम। और morning, ये वाली मैम भी आ चुकी हैं, अभी वंदना मैम बिजी है। देख रहा हूँ सबसे पहले वंदना मोटी और वंदना। एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और वंदना मैम भी आ चुकी हैं। मतलब चलो गुड, ये भी जरूरी है, वो भी एक्सरसाइज है। तो गाइज ये तो था पहले दिन का जोश कि हमने वादा किया था कि हम आएंगे तो हम आ गए, पर ये बताओ कब तक चलेगा ये? हमेशा। चलो देखते हैं, फिर मिलते हैं। विशाल मेगा मार्ट ने क्या ऑफर दिए हैं वो बैठ के डिसाइड हो रहे हैं, ये बस यही फालतू की एक्सरसाइज करते रहते हैं। बट एटलीस्ट सब कुछ करते हैं, हमारी तरह वीडियो नहीं बनाते और इनकी तरह बैठ के फोन यूज नहीं करते। और नेक्स्ट डे शाम को मैं और मेरी वाइफ ये मूवी देखने गए, सभी ने रिकमेंड की थी, मस्ट वॉच, मास्टरपीस है, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा जरूर देख कर आए। तो ये व्लॉग हमारा यहीं एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।